हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। आज हम देखेंगे बायोकेमिस्ट्री का यूनिट 5। यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे एंजाइम्स। एंजाइम्स के आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स करेंगे और नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स करेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स करेंगे। ये चार चीज़ें हम इस लेक्चर में कम्प्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है एंजाइम्स। एंजाइम्स की डिफाइन क्या होती है? एंजाइम्स मे बी डिफाइंड एज बायोकैटलिस्ट सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग सेल। मतलब ये जो होता है हमारा बायोकैटलिस्ट होता है, मतलब ये जो है हमारा जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम में जो भी केमिकल रिएक्शन चल रही है उनको कैटलाइज करेगा। और ये जो है हमारा सिंथेसाइज होता है लिविंग सेल्स के द्वारा, मतलब जो भी लिविंग सेल्स के द्वारा कैटलिस्ट हमारा सिंथेसाइज होगा उसको हम एंजाइम्स कहेंगे। दे आर प्रोटीन इन नेचर। ये जो होता है हमारा प्रोटीन का बना होता है। एक्सेप्शन RNA acting as ribozymes, मतलब जो RNA होता है जो कि हमारा राइबोजाइम की तरह एक्ट करता है, उसको छोड़ के बाकी सभी जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। कोलोइडल एंड थर्मोलेबाइल इन करेक्टर एंड स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। मतलब ये जो होता है एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारे कोलोइडल होते हैं और ये जो होता है हमारा थर्मोलेबाइल होता है, मतलब हाई टेम्परेचर पर ये जो है हमारे ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ये इनका जो है हमारा करेक्टर होता है। और स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, मतलब हर एंजाइम जो होता है हमारा उसका अलग अपना डिफरेंट एक्शन होता है। तो ये जो होता है हमारा स्पेसिफिक एक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस दैट इंक्रीज द वेलोसिटी और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट वो केमिकल सब्सटेंस होता है, ये जो वो सब्सटेंस होता है जो कि हमारे केमिकल रिएक्शन की जो रेट है वो उसको इंक्रीज कर देता है। विदाउट इट्सेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज इन ओवरऑल प्रोसेस। मतलब वो क्या होता है हमारा जो भी कैटलिस्ट होता है वो हमारा रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब उसके अंदर हमारा पार्टिसिपेट नहीं करता। वो जो है एक मतलब मीडियम प्रोवाइड कर देता है जिसकी वजह से हमारा जो है केमिकल रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। तो वही हमारा बता रखा है, ये जो हमारा केमिकल रिएक्शन की जो रेट है उसको इंक्रीज कर देता है। विदाउट इट्सेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज, मतलब उसके अंदर जो कोई भी चेंज नहीं होता, मतलब कैटलिस्ट जो है वो हमारा वो उसका कोई चेंज नहीं होगा, उसकी कोई भी केमिकल रिएक्शन मतलब उसके साथ कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बट वो जो है प्रोडक्ट बनने में हेल्प कर देता है। तो उस सब्सटेंस को हम कहते हैं कैटलिस्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स। प्रोटीन इन नेचर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम में क्या होता है हमारा एंजाइम्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। एंजाइम जो होते हैं हमारे प्रोटीन इन नेचर, मतलब प्रोटीन से बने होते हैं। सोल्यूबल इन एल्कोहल, मतलब एल्कोहल में सोल्यूबल होते हैं। यूज टू कैटलाइज द रिएक्शन विदाउट यूटिलाइजेशन, मतलब ये जो होता है हमारा ये जो है केमिकल रिएक्शन किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज कर देता है उसके मतलब विदाउट यूटिलाइजेशन। मतलब कोई भी अगर हमें बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट हमारा सफिशेंट रहेगा जो कि हमारा प्रोडक्ट बनाने के बाद भी हमारा जो है एक्सट्रैक्ट आउट नहीं हो जाएगा, मतलब वो हमारा प्रोडक्ट में यूटिलाइज नहीं होगा। तो यही हमारा बता रखा है विदाउट यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स को क्लासिफाई हमने बेसिकली उसके वर्किंग या फिर हम कह सकते हैं उसके फंक्शन के बेस पे हमने कर रखा है कि वो किस फंक्शन में हमारा कंज्यूम हो रहा है या फिर हमारा किस फंक्शन में यूज़ हो रहा है। फर्स्ट हमारा आ जाता है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स। ये जो होता है हमारा टेक प्लेस होते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन में हमारा टेक प्लेस होते हैं। एंजाइम इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, मतलब जो भी रिएक्शन हमारी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होती है, मतलब जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और अगर रिडॉक्स रिएक्शन में जो एंजाइम्स यूज होगा उसको हम कहते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स। तो इसका हमारा एग्जाम्पल आ जाता है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज हमारा जो है यूज होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स की तरह। नीचे हमारा एग्जांपल के तौर पे दिखा रखा है, यहाँ जो हमारी इसकी मतलब इस सब्सटेंस की हमारी ऑक्सीडेशन हो रही है और ये प्रोडक्ट ये सब्सटेंस जो है वो हमारा रिड्यूस हो रहा है। तो देखिए जैसे हमारा H2 है, ये जो तो हमारा H2 अगर रिलीज होगा तो उसकी क्या होगी हमारी ऑक्सीडेशन होगी। तो मतलब यहाँ जो है A की जो है हमारी ऑक्सीडेशन हो रही है और वहीं जो है B में जो है हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो यहाँ जो है साइमल्टेनियसली हमारी रिडक्शन हो रही है। तो ये जो हमारा बी जो है रिड्यूस हो जाएगा और ए जो है हमारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यही हमारा साइमल्टेनियसली जिस रिएक्शन में हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती है उस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए जो भी एंजाइम्स यूटिलाइज होंगे उनको हम कहेंगे ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स। इसी तरीके से हमारा सेकेंड आ जाता है ट्रांसफरेज एंजाइम्स। ट्रांसफरेज एंजाइम्स देख लेते हैं।
एंजाइम दैट कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मतलब जो भी हमारे एंजाइम्स जो कि हमारा यूज़ करते हैं फंक्शनल ग्रुप के ट्रांसफर में हेल्प करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रांसफरेज एंजाइम्स। इसमें हमारा आ जाता है हेक्सोकाइनेज। ये एग्जाम्पल्स जो है वो आप ईजिली याद कर सकते हैं, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल्स हमने यहाँ मैंशन कर रखे हैं। इसको हम आप जो है एग्जाम्पल्स के तौर पर हम हेक्सोकाइनेज लिख सकते हैं, बट अगर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आप इसको ईजिली इस लैंग्वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ए के साथ हमारा कोई एक्स जो है ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, मतलब ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है अटैच है, जो कि हमारा ए के साथ अटैच है। अब ये फंक्शनल ग्रुप जो है हमारा, ये हमारा बी के साथ ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ देखिए आप, ये जो फंक्शनल ग्रुप है एक्स, ये हमारा जो है बी के साथ ट्रांसफ़र हो रहा है, और जो हमारा ए के साथ जो फंक्शनल ग्रुप था वो हमारा रिमूव हो गया, मतलब ये जो हमारा ए से जो है हमारा ट्रांसफ़र हो गया बी पे। तो इसमें जो भी हमारा एंजाइम्स यूटिलाइज होगा उसको हम कहेंगे ट्रांसफरेज एंजाइम्स। थर्ड आ जाता है हमारा हाइड्रोलेज एंजाइम्स। हाइड्रोलेज एंजाइम्स कौन से होते हैं? द एंजाइम्स दैट ब्रिंग अबाउट हाइड्रोलाइसिस ऑफ वेरियस कंपाउंड्स, मतलब वो एंजाइम्स जो कि हमारे बहुत सारे कंपाउंड्स का हाइड्रोलिसिस में हेल्प करते हैं, उसे हम कहते हैं हाइड्रोलेज एंजाइम्स। इसमें हमारा आ जाता है लाइपेज। लाइपेज जो है सबसे मतलब मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है इसका। इसमें क्या होता है, हमारा ए और बी हमारा है, उसको जो हम वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, और वाटर जो है ब्रेक डाउन हो जाता है एच प्लस में और ओ एच माइनस में, और एच प्लस जो है वो हमारा ए के साथ अटैच हो जाएगा और ओ एच माइनस जो है वो हमारा बी के साथ अटैच हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं मतलब हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है हमारा? हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। वाटर की ब्रेक डाउन के साथ जो हमारी रिएक्शन कैरी आउट होती है उसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। तो उसमें जो एंजाइम्स हमारे यूटिलाइज होंगे या जो हमारे वर्क मतलब यूज़ होंगे उसको हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स। फिर हमारा आ जाता है फोर्थ एंजाइम्स, लाइएजिस। लाइएजिस कौन से होते हैं? द एंजाइम्स स्पेशलाइज्ड इन द एडिशन एंड रिमूवल ऑफ वाटर, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लाइएजिस एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारे स्पेशल एंजाइम्स होते हैं, जो कि हमारा एडिशन और रिमूवल करवाते हैं हमारे वाटर का, अमोनिया का और कार्बन डाइऑक्साइड का। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आ जाता है एल्डोलेज। एल्डोलेज जो है हमारा, ये जो है एडिशन और एलिमिनेशन करवाता है। इसमें क्या होता है हमारा, जैसे ए और बी है, ए और बी को हमारा जो है ब्रेक डाउन करवा के ये जो है हमारा, इसमें एक्स जो है हमारा अटैच हो जाएगा और बी जो है हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो साइमेंटेसली हमारा एडिशन और रिमूवल दोनों ही हमारा हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं लाइएजिस। इसी के साथ हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा ए एक्स और बी वाई, मतलब दो कंपाउंड जो हैं आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, उसे हम उस रिएक्शंस के लिए हमारा जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं वो होते हैं लाइएजिस। फिफ्थ हमारा आ जाता है आइसोमरेज। आइसोमरेज में क्या होता है हमारा? आइसोमरेज के आप नाम से जान सकते हैं कि जो भी एंजाइम्स जो हमारे आइसोमराइजेशन की हेल्प कर रहे हैं, मतलब आइसोमराइजेशन रिएक्शन में हेल्प कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं आइसोमराइज। आइसोमराइजेशन कौन सी रिएक्शंस होती है, मतलब बहुत सारी अगर हम कंपाउंड्स लेकर अगर कोई चेन फॉर्म करते हैं, मतलब बहुत सारे एल्केन्स लेकर हम अगर पैराफिन फॉर्म कर रहे हैं तो उसमें हम कहेंगे, या फिर हम बहुत सारे इथीन लेकर हम पॉलीथीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे आइसोमराइजेशन रिएक्शन। आइसोमराइजेशन उसमें जो हमारे एंजाइम्स यूटिलाइज होते हैं उसे हम कहते हैं आइसोमरेज। तो वही हमारा है एंजाइम्स इन्वॉल्व इन ऑल आइसोमराइजेशन रिएक्शंस, मतलब जो हमारे एंजाइम इन्वॉल्व हो रहे हैं सभी आइसोमराइजेशन रिएक्शन में उन्हें हम कहेंगे आइसोमरेज। इसका एग्जांपल आ जाता है हमारा ट्रायोसम फॉस्फेट आइसोमरेज। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। इसमें क्या होता है हमारा, इसमें जो है हमारा इंटर कन्वर्जन ऑफ ए टू ए नॉट, मतलब इसमें क्या होता है हमारा ए जो है हमारा, मतलब बहुत सारी यूनिट जो है हमारी, जैसे हमारा ये है प्लस ये है प्लस ये है, बहुत सारी ये मतलब यूनिट कंपाउंड जो होते हैं वो मिलकर जो है हमारी एक चेन की फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो ये जो है बहुत लॉन्ग चेन हो जाएगी जिसको हम कहते हैं आइसोमर। तो उसी आइसोमर के फॉर्मेशन में जो भी हमारे एंजाइम्स यूज़ होते हैं उसे हम कहते हैं आइसोमराइज। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सिक्स्थ लाइगेज। लाइगेज कौन से होते हैं? एंजाइम्स कैटलाइजेज द रिएक्शन सिंथेटिक रिएक्शंस वेयर टू मॉलिक्यूल्स आर जॉइंड टुगेदर एंड एटीपी इज यूज्ड। ये वो रिएक्शंस होती है जिनमें हमारा दो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़ते हैं और जहाँ पर हमारा एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है उसे हम कहते हैं लाइगेज। लाइगेज का मतलब होता है हमारा मतलब ग्लू। ये वो एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे दो कंपाउंड्स को जोड़ते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी। इसका हमारा एग्जांपल आ जाता है ग्लूटामिन सिंथेटेज। तो इसमें हमारा आ जाता है, ये हमारी कंडेंसेशन रिएक्शन है जिसमें हमारा ए प्लस बी है वो हमारा एटीपी का यूटिलाइज करके हमारा ए बी कंपाउंड बना रहे हैं।
तो ये हमारा है यहाँ के, इसी के साथ हमारा जो है क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। लाइगेज बेसिकली हमारा वो एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारा मतलब किसी भी दो कंपाउंड्स को ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नॉमनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। नॉमनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स में क्या था, हमें पढ़ना है IUBMB नॉमनक्लेचर। IUBMB की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया था एक या दो मार्क्स में। इसकी फुल फॉर्म है हमारी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। तो ये हमारी इसकी फुल फॉर्म है जो कि हमारी एक या दो मार्क्स में एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। तो इसका बेसिकली कुछ नहीं है, इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से है। ई जो है हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है नेम ऑफ एंजाइम्स। यहाँ वन जो है फर्स्ट मतलब नंबर जो है वो हमारा क्लास को डिफाइन करता है, सेकंड नंबर हमारा सब क्लास को डिफाइन करता है, और थर्ड हमारा जो नंबर होता है वो हमारा सब सब क्लास को डिफाइन करता है। तो यही हमारी रिप्रेजेंटेशन है नॉमनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स के लिए। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमने जो आज का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। हमने आज देखा है इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स एंड नॉमनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा जो है आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एंजाइम काइनेटिक्स। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मासी रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स और प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।